मुझे ये बताइए कि ये जो एक साथ फिल्म्स रिलीज होती हैं पाकिस्तान जैसी छोटी इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे फिल्में वैसी इतनी नहीं चल पाती, तो ये जो एक साथ रिलीज करने का ट्रेंड है इंडिया में चलता होगा, यहाँ पर आपको लगता है ये लॉजिकल है? आई थिंक वैसे हमारे पास सिर्फ दो इवेंट्स ही होते हैं फिल्म रिलीज करने के, नाबालिग अफराद भी आ रही है, नाबालिग अफराद भी आ रही है एग्जैक्टली, और भी एक आ रही है, बहुत फिल्म आ रही है भाई, बहुत फिल्म आ रही है, बस अब चार फतेह अली खान की रह गई। हाँ, वो भी आ रही है। क्या बोला? I am serious, उनकी एक फिल्म आ रही है, मैंने कल की पोस्ट पढ़ा था कि उनकी भी फिल्म रिलीज हो रही है, चार फतेह अली खान उनकी फिल्म आ रही है। यस यस यस, अरे हमारे कंपटीशन में उसका नाम तो चलना है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हां जी, सो व्हाट आई फील कि हमारे पास ज्यादा इवेंट्स होते नहीं है फिल्म रिलीज करने के लिए, आई मीन बड़ी ईद होगी छोटी ईद होगी, वी रियली ऑनेस्ट एंड आई डोंट थिंक इसमें कोई बुरी बात है अगर हम सारे इकट्ठे रिलीज करते हैं। आई नो कि एट द एंड ऑफ द डे तीन चार दिन होते हैं ईद के, राइट, और फैमिली से जाके देखनी तो होती है, सो दे हैव लाइक मोर स्टॉक एज वेल, मोर ऑप्शंस एज वेल, बट एट द सेम टाइम आई पर्सनली थिंक कि जो एक झुंड में फिल्में आती हैं उसकी जरूरत नहीं है जनरली स्पीकिंग, बट आई अंडरस्टैंड व्हाई दैट हैपेंस एज वेल, बिकॉज ईद इज सच अ सेलिंग पॉइंट कि उस पे बिजनेस के लिए अच्छा होता है, बट जनरली स्पीकिंग आई थिंक इट्स ओके अगर हम ऑफ सीजन भी अगर फिल्म रिलीज करते हैं तो, बिकॉज पूरे साल कुछ नहीं होता है, अचानक ईद पे तीन चार आ जाती हैं। सही कह रही है, बिल्कुल, सो आई फील के एक स्प्रेड होना चाहिए पूरे साल मूवीज आए ताकि रिदम बने, एग्जैक्टली, एंड एवरीबॉडी एक्चुअली वेट्स फॉर ईद व्हिच इज नॉट रॉन्ग फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, आई गेट इट, लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि ऑप्शंस मिल जाता है ऑडियंस को देखने के लिए, ईद होती है, व्हाई नॉट।